हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म रक्षाबंधन का जबरदस्त ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म को मेकर्स 11 अगस्त 2022 के मौके पर रिलीज करने वाले हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसी दिन बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की भी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर सिनेमा घर पहुंच रहे हैं। ऐसे में अगस्त महीने में इन दो सुपरस्टार के बीच बॉक्स ऑफिस के बीच करारी भिड़ंत होने वाली है और इस मेगा क्लैश को देखते ही फिल्मी हलकों में हलचल तेज हो गई है। इस बीच सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन का धांसू ट्रेलर इन दिनों फिल्मों के मेगा क्लैश को लेकर एक्साइटमेंट में और इजाफा करने में सफल हुआ। दरअसल रिलीज हुए अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर स्टारर फिल्म रक्षाबंधन का ट्रेलर एक जबरदस्त फैमिली ड्रामा फिल्म है। डायरेक्टर आनंद एल राय के डायरेक्शन में सजी ये फिल्म एक बेहद ही इमोशनल ड्रामा फिल्म है जो दर्शकों को भावुक करने में दम रखती है। दिखाए गए ट्रेलर में अक्षय कुमार ने तीन बहनों के भाई का किरदार निभाया जो अपनी बहनों की शादी तक खुद कुवारा बैठा है। फिल्म का ट्रेलर आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के ट्रेलर को चुनौती देता दिखाई दे रहा है। मतलब जहां आमिर खान का जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो फैंस बहुत एक्साइटेड थे ट्रेलर के लिए, वहीं ट्रोल्स ने बहुत ट्रोल किया। उन्होंने कहा कि कुछ भी नया नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रीमेक है, सेकंड पॉइंट की सेम चीज हमें देखने को मिल रही है जो चीज हम ऑलरेडी धूम 3 में देख चुके हैं। आमिर खान का कैरेक्टर एज इट इज वैसा ही, कुछ भी नया नहीं। और भी बहुत सी चीजें सामने आई निकलकर और ट्रोल्स ने आमिर खान की क्लास लगा दी। आमिर खान और करीना कपूर खान स्टारर फिल्म लाल सिंह चड्ढा ऑस्कर विनर हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम का ऑफिशियल रिमेक है। ये फिल्म एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसका आईक्यू काफी कम है, बावजूद इसके वो अपने हौसलों के दम पर बड़ी बड़ी चुनौतियों को पार करता है। वेल, देखा जाए दोस्तों तो वो चीजें हम देख चुके हैं ऑलरेडी जो आमिर खान की फिल्म में हम देखने वाले हैं, तो अब चांसेस बहुत कम है। अब जो फैन फॉलोइंग है मे बी वही हो बॉक्स ऑफिस पर आमिर खान की फिल्म को देखने जाए, क्योंकि पब्लिक बहुत नाराज है आमिर खान से जो उन्होंने पिछले कुछ कुकर्म किए हैं। वैसा क्या काम किया है आपको आई बार में ऊपर शो हो रहा होगा। दोस्तों, आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर, अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन का ट्रेलर, दोनों ही फिल्मों के ट्रेलर सामने आ चुके हैं। ऐसे में दोनों ही फिल्मों के ट्रेलर पर चर्चा शुरू हो चुकी है और माना जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि अक्षय कुमार की फिल्म का ट्रेलर रक्षाबंधन का ट्रेलर आमिर खान की फिल्म पर भारी पड़ा है। आपको क्या लगता है, क्या सच में आपको दमदार लगा ट्रेलर या फिर आमिर खान की फिल्म का ट्रेलर दमदार था? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।